बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे रिश्ते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में बॉलीवुड में बहुत सी सास बहू की जोड़ियां भी हैं, लेकिन इनके बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या और उनकी सास जया बच्चन के बारे में। कहा जाता है कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में हाल ही में अभिषेक बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा था जो उन्होंने एक वेबसाइट को दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या और माँ जया बच्चन के बीच रिश्ते कैसे हैं। आप सभी को बता दें कि ये इंटरव्यू अभिषेक ने 2015 में दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, माँ और ऐश मेरे खिलाफ गैंग बनाती हैं और वो बंगाली में बोलती रहती हैं। मॉम इस भाषा को जानती हैं क्योंकि वो बंगाली हैं और ऐश्वर्या ने चोखेर बाली में काम किया था, इसलिए वो भी अच्छी बंगाली बोल लेती है। इसलिए जब भी उन्हें मेरे खिलाफ टीम बनानी होती है वो बंगाली भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ जया भी कह चुकी है कि ऐश्वर्या बहुत प्यारी लड़की है और उसे हमेशा से ही पसंद है। वो बहुत ही खूबसूरती के साथ परिवार में घुल मिल गई है। वो बेटी आराध्या को कभी अकेला नहीं छोड़ती है और उसके नहाने से लेकर खाने पीने की पूरी व्यवस्था करती है। आप सभी को बता दें कि अब तक बच्चन परिवार के कई इंटरव्यू सामने आए हैं जिनमें यही कहा गया है कि सास और बहू के बीच अच्छे रिश्ते हैं। वहीं एक बार एक मीडिया कर्मी ने ऐश्वर्या को ऐश ऐश कहकर पुकारा तो जया को गुस्सा आ गया और बोली थी कि तुम्हारी क्लासमेट है क्या। वहीं इसके पहले भी कई बार मीडिया और फैंस पर जया गुस्सा निकाल चुकी है। आपको याद होगा कि एक बार जया अपनी माँ का जन्मदिन मनाने भोपाल आई थी और इस दौरान जया ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को डांटा। उस दौरान उन्होंने कहा था, सिक्योरिटी वाले भी ध्यान नहीं देते, कोई भी धक्का मार कर चला जाता है।